गया के धर्म सभा भवन में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा गया का 10वां सम्मेलन साथी दया शंकर सिंह, राम प्रवेश शर्मा एवं बिंदी पासवान के संयुक्त अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सम्मेलन में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के पूर्व महासचिव मंजुल कुमार दास, पूर्व राज अध्यक्ष लक्ष्मीकांत झा, पूर्व महामंत्री राजकिशोर राय एवं दक्षिण बिहार के प्रभारी गणपत झा तथा सहायक महामंत्री फूल कुमार झा ने भाग लिया। उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि केंद्र की सरकार एवं बिहार राज्य की नीतियां कर्मचारी, छात्र, नौजवान, मजदूर के विरोध है। सरकार कर्मचारियों के ठेकेदारी प्रथा पर कार्य करने के लिए मजबूर कर रही है तथा पेंशन भी 2004 के बाद कर्मचारियों से छिन चुकी है, जिसके कारण कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। नए सत्र के लिए संघीय पर धारकों का चयन चुनाव पदाधिकारी एवं गणपत झा के देखरेख में संपन्न हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। आज के कार्यक्रम में बताइए, बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा गया का यह 10वां सम्मेलन है। यह हर 3 बरस पर होता है, लेकिन कोरोना के चलते 5 बरस पर हो रहा है। 10वां सम्मेलन में इसमें तमाम हमारे 32 संगठन उसके प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं और उन्हीं के प्रतिनिधि के तहत यह संगठन का चुनाव होगा। और 10वां सम्मेलन में समिति का चुनाव होगा और इसमें बहुत सारे जो लोकल स्तर पर और राज्य स्तर पर जो प्रस्ताव है, जो हमारा राज्य सरकार का है, वो प्रस्ताव भी दिया जाएगा। जैसे मुख्य रूप से हमारा है पुरानी पेंशन को चालू किया जाए, नई पेंशन को बंद किया जाए, संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाए, रिक्त पदों पर बहाली किया जाए, यह हम लोग का मुख्य डिमांड है। और एक डीए सरकार दिया था, उसका हाल सच है कि उसको काट दिया गया है, वो डीए को लागू। ये आंदोलन कितने दिन से चल रहा है? आंदोलन नहीं है, ये संघर्ष किया जाता है प्रस्ताव के माध्यम से सरकार के विरुद्ध में। जो लोकल रहता है, जो समस्या है, उसके विरुद्ध में आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित होता है। जो प्रस्ताव पारित होता है उसके बाद जिला मंत्री एवं स्वागत मंत्री कर्मचारी महासंघ का 10वां सम्मेलन है। सम्मेलन में नए सत्र के लिए पदाधिकारी चुने जाएंगे और उसके बाद सरकार से अपनी मांगों को इसमें रखा जाएगा। फिलहाल इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार से हम चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे, अभी भी बिहार सरकार में 2.5 लाख पद रिक्त है और रिक्त पद पर नियमित बहाली हो, संविदा पर ठेका पर जो बहाली हो रही है उस पर रोक लगाया जाए और महंगाई पर रोक लगाई जाए, बेरोजगारी दूर किए जाने की एक स्पष्ट योजना बनाते हुए रिक्त पदों पर बहाली किया जा सकता है। पढ़ते रहिए। शशि काम सिन्हा, बिहार लोक सहायक महामंत्री, बिहार लोक कल्याण विभाग, कर्मचारी संघ।